Assalamu alaikum. Okay, today I'm going to explain a very important and very beautiful topic of biochemistry, Michelson-Menten kinetics, Michaelis-Menten kinetics. बहुत ही अजीब और गरीब लगता है देखने में, लेकिन इतहाई आसान और मज़ेदार सा टॉपिक है और अक्सर आ भी जाता है पेपर्स में. अब इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन जो उन्होंने बुक में दी हुई है लिपिनकॉट में, उसको समझना चाहिए. दैट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दैट फॉर्म्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज देन कन्वर्टेड टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, सबको पता है. उसमें K1, K-1 और K2 क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है. ये रेट कॉन्स्टेंट्स हैं. रेट कॉन्स्टेंट वो होता है जो कि हमारे पास मैक्सिमम सबस्ट्रेट एफिशिएंसी को शो करे. है रेट कॉन्स्टेंट की डिटेल में नहीं जाते, ऐसे दिमाग ख़राब होगा जो हमें चाहिए नहीं, हम क्यों सोचें उसके बारे में. बस इतना याद रखना कि हमारे पास जो K1 है वो ये शो करे कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. लेकिन जो ये दो है ना, ये वाला K2 और ये जो K-1 है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ESK शो कर रहे हैं. ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास सेंटर में ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े हुए पड़े हैं, ठीक है. ये K2 शो कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स खुद को. और ये K-1 शो कर रहे हैं कि कितना वापस एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में ही खुल जाते हैं, यानी वो आगे जाते ही नहीं है. तो इस वजह से ये दोनों जो है ना, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं. अब हम देखते हैं कि हमने इनका इस्तेमाल क्या करना है. माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को शो करती है कि एंजाइम की इनिशियल वेलोसिटी हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. उसके लिए हमने वी मैक्सिमम लेना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी, उसको सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करना है, देन उसे डिवाइड करना है विद द इसका जो कॉन्स्टेंट है और उसमें सबस्ट्रेट ऐड करना है. अब ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुई, ये लोगों को समझ नहीं आती और समझने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ है कि देर इज़ नो नीड ऑफ डेरिवेशन. इस छोटी सी इक्वेशन को रट्टा लगाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी डेरिवेशन है. छोटी सी होती तो मैं बता भी देती, बट बहुत लंबी है, बस इसको याद करना है. असल मकसद ना हमारा एक KM है, और KM भी न्यूमेरिकली नहीं, KM के करेक्टर्स क्या हैं, ये बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. असल में ये ना उनने एक कांस्टेंट बना दिया है, मैंने अभी बताया, और उसको उनने बनाया कैसे, K-1 वो वैल्यू जो शो करे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट जाता है, प्लस K2 जो शो करे कि कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई K1 जो ऊपर वाली वैल्यू थी, ठीक है. इसकी भी डेरिवेशन बहुत लंबी है, वी आर नो नीड टू डू दैट, ठीक है, उसके साथ हम कंसर्न नहीं है. बस हमें इन वैल्यूज़ के मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं कि K1 है क्या, K-1 है क्या, ठीक है. देन अब हम इसके करेक्टर्स पे आते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके कंक्लूजन्स पे. अच्छा, ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन जो होगा वो ऐसा हो रहा होगा, ठीक है. ये एजम्पशंस है हमारी, कि हम ये सोचते हैं सबसे पहली चीज़ कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट वो हमेशा जो है वो इस तरह होगी कि सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा और एंजाइम थोड़ा होगा, ताकि सारी की सारी एक्टिव साइट्स जो एंजाइम की हैं वो आराम से ऑक्यूपाई हो जाएं, ठीक है. पहली बात हम हमेशा ये सोचते हैं. दूसरी हम ये सोचते हैं कि स्टेडी स्टेट मेंटेन्ड है. स्टेडी स्टेट का मतलब ये कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसके कहीं भी मसला नहीं आ रहा, वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट रेट पर मेंटेन रहता है, उसके इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं और इक्वल अमाउंट में वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि सारे का सारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ वापस टूट जाता है. तो हमने ये स्टेडी स्टेट अजम्पशन का मतलब ये होता है कि बराबर अमाउंट में प्रोडक्ट बने और बराबर अमाउंट में सबस्ट्रेट के साथ अलग भी पड़ा हुआ है. ये स्टेडी स्टेट अजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं. तीसरी चीज़ हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसके लिए हमने पूरी की पूरी इक्वेशन भी डिराइव की हुई है, और वो कैसे डिराइव होती है, नो नीड टू कंसर्न. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आती है, विच इज़ द कंक्लूजन, ठीक है. अब KM मैं घंटे से कह रही हूँ, वट इज़ KM एक्चुअली. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान सी हलवा सी बात है कि KM है क्या. ये जो माइकलिस कांस्टेंट है, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. कि हमने ये देखना है कि कितने सबस्ट्रेट हम डालें एंजाइम वाले रिएक्शन में, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ हम अचीव कर लें. सपोज़ मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी 100 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी यही होती है, और 50 मीटर पर सेकेंड ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में पहुंचने के लिए हमें कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट डालने पड़ेंगे, ठीक है. वो जितने सबस्ट्रेट हम डालेंगे उतना हमारा KM होगा. अब जो बात याद रखने वाली है इसमें वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के डालने पे डिपेंड नहीं करता कि उसके नंबर कितना है, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी पे डिपेंड करता है. अब उसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. हमारे पास 10 एंजाइम है, ठीक है. अब हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा पहले तो याद रखना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कब होती है, जब सारी एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम ऑक्यूपाई हो जाएं, तब हमारी जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, पूछते होते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी है क्या, हम घंटे से मैक्सिमम कर रहे हैं.
तो मैंने जो बात की वो दोबारा सुन लेना, ना समझ आई तो। असल मैंने कहा था कि मेरे पास 10 इंजाइम है, ठीक है 10। अब मैक्सिमम वेलोसिटी तब अचीव होगी जब इन 10 के 10 इंजाइम्स की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाए। मैंने 10 ही सबस्ट्रेट डाल दिए रिएक्शन में। अब ये है कि इंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी बहुत कम थी, लो एफिनिटी थी, उसकी वजह से 10 में से सिर्फ 5 सबस्ट्रेट जो हैं वो 5 इंजाइम्स के साथ जुड़े, ठीक है 5 और 5 जुड़ गए। हालांकि हमने सबस्ट्रेट डाले 10 थे लेकिन जुड़े सिर्फ 5, एफिनिटी लो थी, 5 इंजाइम्स स्टिल रह गए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 10 और सबस्ट्रेट डालने पड़ेंगे ताकि मज़ीद 5 सबस्ट्रेट जो हैं वो एक्ट करें इन रिमेनिंग 5 एंजाइम्स के साथ उनमें से, और हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाए। ठीक है, ये एग्जांपल सिर्फ ये बताने का मकसद थी कि इसका जो KM की वैल्यू वो अफिनिटी पे डिपेंड करती है। और कैसे होगी, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट हमें डालना पड़ेगा, जितनी अफिनिटी कम होगी उतनी KM की वैल्यू ज़्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा सुन लेना कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, अच्छा अब बाकी अगली रिकॉर्डिंग में।